असामाजिक तत्वों से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि साहस दिखाते हुए डटकर मुकाबला करने की जरूरत है। पुलिस सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन बालिकाओं को खुद भी साहसी और आत्मनिर्भर बनना होगा। मार्शल आर्ट ही एक ऐसा माध्यम है जो स्वस्थ रहने तथा आत्मरक्षा के लिए बेहतरीन माध्यम होता है। लोग मार्शल आर्ट अलग अलग कारणों से सीखते हैं। कई लोग इसे खेल के रूप में सीखते हैं, तो कुछ इसे व्यायाम के तौर पर ले जाते हैं। लेकिन इसे लड़कियों के लिए सीखने का अहम कारण होता है आए दिन मनचलों की छेड़छाड़ से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। आज के समय पर जितने लड़कियों को लेकर घटनाएं घट रही हैं, इससे लड़कियां बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचती हैं और माता पिता को भी अपने बच्चों की फिक्र लगी रहती है। लेकिन मार्शल आर्ट लड़कियों के लिए आज की दौर में सीखना बहुत जरूरी है। मार्शल आर्ट से आत्मरक्षा के साथ साथ मानसिक विकास तथा शरीर की ग्रोथ भी होती है। ऐसे ही देहरादून जिले के विकास नगर क्षेत्र की 2 बालिकाएं लगातार मार्शल आर्ट से बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम में लगी हुई हैं। अपने माता पिता के साथ साथ अपने क्षेत्र का नाम भी रोशन कर रही हैं। नेशनल प्लेयर सरमीत कौर ने बताया कि तक्षशिला स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट्स एकेडमी के द्वारा जगह जगह स्कूलों में निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जाता है, जिस दौरान बालिकाओं को हर प्रकार की परिस्थिति जैसे छेड़छाड़ आदि का डटकर सामना कर खुद को बचाने के लिए खास तकनीकी सिखाई जाती है और आत्मरक्षा के अलावा फिटनेस व्यायाम के तौर तरीके भी सिखाए जाते हैं। मेरा नाम संदीप कौर है, मैं सेकंड टाइम ब्लैक बेल्ट हूँ। मैं कराटे और टाइकोंडो की नेशनल प्लेयर हूँ। इसके साथ ही मैं तक्षशिला स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट अकेडमी में कोच हूँ। ये हमारी के GTS फेडरेशन है, जिसके थ्रू मैं ये सेकंड टाइम ब्लैक बेल्ट हूँ। और मुझे याद है कि मैं 2018 में ब्लैक बेल्ट बन गई थी। उससे पहले ही ब्लैक बेल्ट के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो 5-6 साल मुझे हो गए इस फील्ड में काम करते हुए। पहले तो मैंने नेशनल जो चैम्पियनशिप है हमारी कराटे की, उसमें मेरा गोल्ड मेडल था और टाइकोंडो में सिल्वर है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में भी पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा जो मेन जो हमारा जो मिशन रहा है, हमारा मिशन नारी सुरक्षा भी हम लोग चला रहे हैं, जिसके तहत हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस के में प्रशिक्षण दे सकें। हमने अपने कॉलेज में वीर शहीद केसरी चंद महाविद्यालय से हम लोग ने किया है, BSc की है मैंने, और वहाँ पर भी हमने फ्री में सिखाया है। हम बहुत सारे स्कूल्स में सिखाते रहते हैं। जो हमारे कोच है रनसई भगत सिंह राय जी, जो इस अकेडमी के हेड हैं, वो उन्होंने 91 में स्टार्ट किया था, तो 25 साल से भी ऊपर उनको हो चुका है। उन्होंने भी 500 स्कूल से भी ऊपर सिखाया है लड़कियों को। तो हमारा मेन यही रहता है कि हम लड़कियों को सिखाएं सेल्फ डिफेंस, फ्री कैंप भी लगाते रहते हैं। अभी हमने कम से कम 45 डेज का ही अभी रिसेंटली लॉकडाउन खुलते ही लगाया था। तो हम लोग ये करते रहते हैं कि फ्री में लड़कियों को सिखाएं। हम स्कूल्स में भी जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया, हम अपने कॉलेज में भी हमने फ्री में सिखाया था। ऐसे हम जाते रहते हैं स्कूल में, यहाँ तक कि हमारे इस अपनी एकेडमी में भी हमने बहुत कुछ लगाया। ऐप भी पेज है हमारा मिशन नारी सुरक्षा, आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि हम फ्री में लड़कियों को सिखाते हैं, तो इस ताकि उनकी हेल्प हो जाती है, जो इससे वो टारगेट हो जाते हैं जो नहीं पे कर सकते। वही नेशनल प्लेयर शिल्पा राय ने बताया कि शिविर के माध्यम से बच्चियों के सर्वांगीण विकास पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है और इससे पहले एकेडमी के माध्यम से त्यूनी, हरिपुर, डाकपत्तर में निशुल्क शिविर आयोजन करके वहां की बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मेरा नाम शिल्पा राय है और मैं 3rd ब्लैक बेल्ट हूँ और मैं इंटरनेशनल टाइकोंडो की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। सर, मैं बचपन से सीख रही हूँ, मुझे 17 ईयर्स हो चुके हैं सीखते हुए। और अचीवमेंट में मेरा, मैं नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, इंटरनेशनल सब खेल रही हूँ सर। सर, चैलेंजेस तो अभी सबसे पहले यही है कि हमें सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, जो कि हम लड़कियों को बना रहे हैं। जब हम सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे, उसके बाद हमारे सारे रास्ते खुल जाते हैं। मेन आजकल ये फिजिकल चैलेंजेस ही आते हैं, तो उसके लिए हम गर्ल्स को फ्री कैंप्स देते हैं। फ्री कैंप्स में उन्हें रेडी करते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं फीस, दूर दूर स्कूल्स में जाते हैं। अपना पूरा जौनसार बावर क्षेत्र हमने कवर किया, अभी कालसी में, हरिपुर, कालसी, सैया में 3 स्कूल्स, कोरवा, त्यूनी, अभी हम त्यूनी रह के आए हैं। तो हम ऐसे जगहों पर जाकर सिर्फ कैंप्स लगाते रहते हैं गर्ल्स के लिए। उन्हें के माध्यम से प्रशिक्षण दिया है और उन्हें जो हमारी फेडरेशन है उसके थ्रू हमने सर्टिफिकेट भी दिया है प्रशिक्षण का। 45 डेज हम देते हैं उन्हें प्रशिक्षण और उसके बाद हम उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं। सर, मेरा तो खुद के फादर कोच हैं,
रणजय भगत सिंह राय, तो बचपन से इन्होंने मेरे को मोटिवेट किया है, कभी पीछे नहीं करा किसी चीज के लिए। अभी हम इतनी दूर गए हैं, पेरेंट्स को चिंता होती है कि हमारा बच्चा इतने दूर, खासकर लड़कियों को, कि तो कैसे रहेगा इतने दूर, कुछ भी उसके साथ हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब मेरे फादर को कुछ भी मेरे को लेके टेंशन है कि मेरी बेटी इतने दूर जा रही है तो क्या होगा। तो चैलेंजेस तो सर ऐसे कुछ रहे नहीं है। इन बालिकाओं के द्वारा पूर्व में राजकीय इंटर कॉलेज कालसी में सरकार की मुहिम रमसा के तहत 45 दिवसीय कराटे का शिविर लगाया गया था। तक्षशिला स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट एकेडमी के द्वारा सभी बालिकाओं को जिन्होंने इस शिविर में भाग लिया उनको प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। कैमरा पर्सन राहुल सिंह के साथ कुलदीप चौहान, क्राइम ब्यूरो चीफ, DCP न्यूज़ उत्तराखंड।